आप तीनों भाई हो आपस में, तो आप तीनों मुझे एक एक करके बताओ। पहले आप भी मुझे बताओ कि अम्मी को 3 साल बाद देखे टीवी पे कैसा लगा, और जब देखा उस टाइम सबसे पहले क्या किया आपकी अम्मी को देखकर? रोया था, हाँ रोया था। रोए थे। अच्छा, खुशी से रोए थे या क्या सोच के रो रहे थे? हाँ नहीं, पहले तो दुख हो रहा था, पहले दुख हो रहा था, अच्छा। खुशी के आंसू। माँ से मिलने की खुशी और एक्साइटमेंट इन नौजवानों के चेहरों को खिला रही है। जिस माँ से मिलने की उम्मीद ही हसरत में बदल चुकी थी, उसका यूं अचानक मिल जाना जैसे ख्वाब से लग रहा था। टीम अंजाम की एक छोटी सी काविश रंग लाई और एक खानदान मुकम्मल हो गया। अम्मी कैसी लगी 3 साल के बाद? चेंज लगी, कैसी लगी? चेंज हो गई। क्या चेंज लगा अम्मी? बाल वाइट हो गए। अच्छा, बाल वाइट हो गए। हाँ अच्छा, वैसे आपकी बीच वाला बेटा कौन सा है? ये वाला है। हाँ, आपकी बड़ी आपकी अम्मी तारीफ कर रही थी कि बीच वाले बेटे से मुझे ज्यादा मोहब्बत है। दरमियान वाला क्यों सबसे ज्यादा याद आता है? वो मुझे बहुत प्यार करता था। अच्छा, कैसे? मैं आपको तो सबसे करती थी, बस वो जैसे लाड चाद किया, जुफियाँ डाली, ऐसे कभी चूमना। इसका नाम भी मासूम है, शक्ल से भी इतना मासूम सा लगता है, तो क्यों भाई अम्मी इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं? क्या अम्मी को घोल के पिलाया तुमने, पहले ये बताओ मुझे जरा। घोल के तो कुछ भी नहीं पिलाया, बस प्यार करता था उनसे। अच्छा, क्या तुम उनसे अम्मी से अम्मी के साथ तुम क्या लाडियाँ क्या करते थे? बस ऐसे ही लाडियाँ करता था। अच्छा, तो अम्मी कितना याद आई 3 सालों में? क्या कुछ मिस किया आप लोग अम्मी के बारे में? याद आती थी, जब भी याद आती थी रोता था। जब उन्हें पहली दफा देखा उस वक्त भी बहुत रोया। कल वीडियो भी 10-20 दफा देखी मैंने। अच्छा, फिर जब वीडियो देखते हो हर दफा तो दिल कर रहा है कि अम्मी जल्दी से सामने आ जाए और अम्मी को जोर से पकड़ के हम चप्पियाँ डालें। हाँ, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी अम्मी ईजी सेंटर पे मौजूद हैं और बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों को बहुत याद करती हैं। कभी सोचा था आप लोग आपस में तीनों भाइयों ने कि 3 साल बाद अम्मी अचानक ऐसे मिल जाएंगी? नहीं, नहीं सोचा था। तो अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगते थे, क्या कहते थे आप लोग? दुआएं तो बहुत मांगते थे, रोज ही मांगते थे नमाज के बाद कि अम्मी मिल जाए मिल जाए। अल्लाह ने अब दुआ सुन ली है। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से अम्मी का पता चला है। तो मेरे ख्याल से अब आपके घर का क्या माहौल है, अब्बू क्या कहते हैं, वो कितना खुश हैं? अब्बू भी बहुत खुश हैं, सभी खुश हैं अब घर में।